Assalamualaikum and welcome back to our channel Bant Academy. आज की हमारी वीडियो बहुत जबरदस्त है सारे यूट्यूबर्स के लिए, चाहे आप न्यू हैं, चाहे आपका चैनल जो है वो पुराना है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो में हम आपको 3D रोटेटिंग लोगो बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा ARY न्यूज, जियो न्यूज और डिफरेंट न्यूज चैनल जो हैं, उनके ऊपर आपको उनका रोटेटिंग लोगो नजर आता होगा। तो ये पहले आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जिनके थ्रू आपने 2, 3, 4 सॉफ्टवेयर यूज करके जो आपको यूट्यूबर है वो मोबाइल पे ये लोगो बनाना सिखाते हैं। लेकिन आज की मेरी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने पीसी को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप को यूज करते हुए बिल्कुल चंद स्टेप्स के थ्रू ये जो रोटेटिंग 3D रोटेटिंग लोगो है इसको आप बना सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है एनिमेशन मेकर। उस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी वेज के थ्रू आप इसको रोटेटिंग लोगो को बना सकते हैं। तो डिले किए बगैर आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल बांट अकेडमी सब्सक्राइब नहीं, तो मजीद आने वाली अच्छी अच्छी टेक रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल बांट अकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है अरोरा 3D एनिमेशन मेकर सॉफ्टवेयर। बहुत ही इजी टू एक्सेस है ये सॉफ्टवेयर। अप्रॉक्सीमेटली 44 MB जो है इस सॉफ्टवेयर का साइज है और इजीली अवेलेबल है। तो क्या करना होगा, जब आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं जी क्यूब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस क्यूब को आप ड्रा करेंगे। जितना आपको लोगो चाहिए, रोटेटिंग 3D लोगो आपको जितना चाहिए उसके ऊपर वो आप ड्रा करेंगे। उसके बाद ये जैसा कि आप देख सकते हैं जी राइट साइड पे नीचे एक ब्लेंड का ऑप्शन है, इसको आप अनचेक कर देंगे। ये पहले चेक्ड होगा, इसको आप अनचेक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन नजर आ रहा है टेक्सचर, ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं टेक्सचर। आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी फाइल, जो भी लोगो आपने उसकी पिक्चर बना रखी है, आप उसको अपलोड करके यहां पे पुट कर देंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है बांट अकेडमी। तो उसका लोगो जो है वो मैंने अपलोड किया है। ये हमारा लोगो जो है ये अब रेडी हो चुका है। तो अब इसको रोटेट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे जी एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड पे नीचे से, अगर ऊपर की तरफ देखें तो नीचे से ऊपर सेकंड ऑप्शन जो है, पहला जो है वो लाइट है और सेकंड ऑप्शन एनिमेशन। एनिमेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, उसमें एक ऑप्शन है रोटेट। जब आप रोटेट पे क्लिक करेंगे तो ये अब आप देख सकते हैं जी आपका जो 3D लोगो है वो आपका रेडी हो चुका है। बट ये आप देख सकते हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो स्पीड को जो है वो उसको कम करने के लिए इसका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो अगर आप ड्यूरेशन, जैसे आप नीचे से देख सकते हैं, ड्यूरेशन आप उसमें ऐड कर लें जितना भी आप ड्यूरेशन करना चाहते हैं, जितना आप मुनासिब चाहते हैं कि ये जो है लोगो जितनी स्पीड से रोटेट करे उस हिसाब से इसका आप ड्यूरेशन दे सकते हैं। राइट साइड पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सबसे ऊपर जो है वो स्टाइल्स का ऑप्शन है, उसमें लाइट, आइकॉन, फ्रेम, शेप, टेक्स्ट, आप इन सब को जो है अपने यूज में ला सकते हैं। जैसे भी आप इनको यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी डिफरेंट आइकॉन्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है कलर, इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग्स कर सकते हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट जो है वो सेटिंग्स के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो एनिमेशन वाले ऑप्शन में आते हैं, तो ये लेंथ जो है इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जी आपका रोटेटिंग 3D लोगो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो है 3D रोटेटिंग लोगो। अगर आप इसके अलावा कुछ और जो है ऑप्शन उनको यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रोटेट, स्विंग, बीट, वेव, फेड, टाइपराइटर एंड पल्स। तो अब हम जो ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो रोटेट है। उसके बाद अब स्विंग को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं जी अब स्विंग वाला जो ऑप्शन है उसको यूज किया, तो ये देखिए रोटेट करने की बजाय अब ये जो है हमारा लोगो वो स्विंग कर रहा है। उसके बाद स्विंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो उसको चेक करते हैं बीट का। ये आप देख सकते हैं जी बीट का ऑप्शन, इसको आप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जी ऑप्शन। अब जो भी सेटिंग, जिस अगर आप 3D रोटेटिंग लोगो चाहते हैं, अगर आप स्विंग चाहते हैं, अगर आप बीट चाहते हैं, तो आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी हमारे पास ऑप्शन है वेव।
तो ये जो है वेव का ऑप्शन कुछ जो है वो नहीं खास, इसमें मूवमेंट कोई नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है फेड, ये आप देख सकते हैं जी फेड इन और फेड आउट, जैसा कि आप जानते हैं फेड इन और फेड आउट होता है, बट यहां पे सिर्फ फेड इन का ऑप्शन है। उसके बाद टाइपराइटर का ऑप्शन है, तो ये आप देख सकते हैं जी इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। उसके बाद पल्स का ऑप्शन है, इसमें भी कुछ खास मूवमेंट नहीं। ये सब कुछ, ये सारे जो स्टाइल थे ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिखाए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं जी हमारा अब 3D लोगो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना। ये बैकग्राउंड जो है ये इसको हम चेंज कर देंगे और चेंज करके ग्रीन बैकग्राउंड लगा देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें बैकग्राउंड का ऑप्शन है, और बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जिसका बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है वो रह चुका है कि अब इस ये जो हमने लोगो बनाया है इसको हम एक्सपोर्ट कर दें। तो नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बस डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो उन ऑप्शंस को आप अपनी मर्जी के मुताबिक, आप अपनी सेटिंग के मुताबिक और अपने हिसाब से उनको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशियो, जो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जितनी भी आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर देते हैं। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं सारी सेटिंग कंप्लीट है। उसके बाद फाइल नेम और इस फाइल का जो आप इसको किधर सेव करना चाहते हैं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं। कोई भी फाइल का नाम जो है वो लिख के इसको सेव पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो अब जो हमारी फाइल जो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब जो फाइल सेव की है उसको क्लिक करके चेक करते हैं कि अब हमारी फाइल जो है वो कैसी दिखती है। तो ये आप देख सकते हैं जी हमारा लोगो जो है वो रेडी हो चुका है। That's all from our today's video. I hope कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की हमारी जो वीडियो है, हमारा टॉपिक है, हमारी जो एफर्ट है, आप उसको फॉर श्योर अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होगी, ये आपके लिए नॉलेज का सबब बनेगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल बांटकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और टेक रिलेटेड टॉपिक लेकर बहुत जल्द हाजिर हो। तब तक के लिए अपने होस्ट अली रजा को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।